बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज हम अपने नए कोर्स का आगाज करेंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। इकोनॉमिक्स हमारा टॉपिक है या सब्जेक्ट है जिसको हमने आज स्टार्ट करना है और मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी सारे इस पर हमारे लेक्चर्स होंगे। तो आप हार्वर्ड एकेडमी के फोरम पे ये लेक्चर देख रहे हैं। हार्वर्ड एकेडमी CSS के, FPSC, PPSC, NTS के सिंगल पेपर MCQ और इसके अलावा CSS के कंप्लीट कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन ऑनलाइन ऑफर करते हैं। तो इस सब्जेक्ट की एप्लीकेशन के बारे में पहले जान लेना ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक्स ये बेसिक लेवल पे हम बात करेंगे और बेसिक लेवल पे हमने एडवांस चीज़ों की भी बात जब करेंगे तो भी हम बेसिक चीज़ों पर रहेंगे। अब सिंपल थोड़ी सी बात है समझने के लिए कि हमने जितनी भी कोई एडवांस चीज़ होगी हमने उसको प्रैक्टिकल लाइफ से अंडरस्टैंड करना है कि हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, मार्केट में कैसे चीज़ें अवेलेबल होती हैं और मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही होती है। तो इस समय में हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, यानी कि कंसेप्चुअली हमें इसको लेना चलना है और ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है लेक्चरर कॉमर्स, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, अगर कोई एम इकोनॉमिक्स कर रहा है, MSc इकोनॉमिक्स कर रहा है, इसके अलावा MBA, BCom, BBA, ACCA, ICMA, CMOM और BA इंटर लेवल पे भी अगर कोई इकोनॉमिक्स सीख रहा है तो उसको बेसिक लेवल के साथ साथ एडवांस लेवल की सारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है सब्जेक्ट के मुताबिक वो आपको इसी फॉर्म से मुहैया होगी। तो आज हमने इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन पे बात करनी है। हम में से हर एक बंदा बात कर रहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है या कैसे मूव कर रही है, हम इकोनॉमिकली कैसे डिक्लाइन का शिकार हैं या कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। हर दूसरे दिन आप इस टॉपिक पे बातें सुनते होंगे। तो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के लिए या समझने के लिए पहले हमें देखना है कि ये जब हम लफ्ज सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो हम क्या उससे अंडरस्टैंड करते हैं, क्या वो ठीक है या नहीं ठीक। अगर ठीक है तो आपको इस डेफिनेशन के बाद समझ आ जाएगी कि आप जो समझते रहे हैं इकोनॉमिक्स के मुताबिक वो ठीक है। अदरवाइज अगर आपकी इसके बारे में कन्फ्यूजन थी कि सब्जेक्ट को तो आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का मकसद क्या होता है लेकिन अल्टीमेटली आप इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता रहा कि इकोनॉमिक्स जो आप प्रिव्यू करते थे, जो आप कंसीव करते थे, जबकि इसका एक्चुअली मतलब कुछ और था। तो अक्सर आपने देखा होगा कि चाइना की जो मार्केट है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, चाइना किस तरीके से अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है। हम कहते हैं कि लार्ज इकोनॉमीज यानी कि जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स की वजह से वो इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो रही है। अब बात सिंपल सी है कि अगर आपको घर में एक फ़ैन बनाना पड़े और सारी मशीनरी लेके आनी पड़े कि हमने फ़ैन बनाना है और घर में इस्तेमाल करना है तो आपके लिए वो फ़ैन बनाना बहुत महंगा पड़ जाएगा। अब सेम आप यही मॉडल किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, एक कंपनी है वो फैन बनाना चाहती है, वो क्या करती है कि वो अपने जितने भी उसके लिए टूल्स चाहिए, टेक्निक्स चाहिए या एक्सपर्ट्स चाहिए वो उनको हायर कर लेती है, अपनी फैसिलिटी को डेवलप कर लेती है। तो उससे क्या होता है कि कंपनी एक पंखा पहले अगर फर्स्ट या ट्रायल बेसिस पे बनाती है, उस पर एक्सपेरिमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, तो उसके बाद वो फैन बनाती है। तो फैन में जो रॉ मटेरियल यूज होगा अगर सिर्फ और सिर्फ यानी कि अगर फर्ज के हम ये कहते हैं 20 kg जो है आयरन, लोहा और स्टील और मिक्स उसमें जो दाते हैं वो यूज़ होगी तो वो लेके आए तो उनको वही एक कन्वेंस यूज करनी पड़ेगी, मार्केट जाना पड़ेगा, मार्केट से वो चीज़ें लेनी पड़ेंगी और फिर आगे प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो आप देखें कि एक पंखा कितना महंगा पड़ेगा। अगर एक गाड़ी जा रही है उनकी रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, अगर उसको भर के लेके आ जाए तो जो गाड़ी के जाने का खर्चा है वो तो उसी तरह ही रहेगा। अगर वो एक पंखे के लिए सामान लेके आए, रॉ मटेरियल लेके आए या 100 पंखों के लिए लेके आए, तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, बचत होती है, इस तरीके से होती है। तो अब क्या है कि हम जब अपने रोजमर्रा लाइफ में इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स हम में से हर एक बंदा इसकी टेक्निक्स को अप्लाई कर रहा है। कैसे? अब एक आप फर्स्ट किया एक स्टूडेंट है, आप जॉब होल्डर हैं, जॉब किसी भी नौकरी की आपकी है, तो आपको पता है कि आपके जो पास जो पैसे हैं, जो आपके पास सोर्सेज हैं, अगर स्टूडेंट है तो पॉकेट मनी, पापा देते होंगे, मामा देती होंगी, भाई देता होगा बड़ा, ये मामू आते हैं तो वो दे देते होंगे, खाला देती होंगी, तो
इस तरीके से आपकी जो इनकम होती है, अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आप एक जॉब करते हैं या दो जॉब करते हैं या साथ में बिजनेस करते हैं, व्हाटएवर जो भी है, आपके पास जो पैसा आता है वो आप अपने पास देखते हैं कि मेरे पास फर्ज किया एक सैलरी पर्सन है तो 50,000। अब 50,000 है तो वो सबसे पहले अपने एक्सपेंडिचर देखेगा कि मेरे खर्चे कितने हैं, तो वो खर्चों के लिहाज से कुछ चीजें पेंडिंग कर देगा, कुछ उनको अकोमोडेट कर लेगा, यानी कि उसी इनकम से उन जो अपनी चीजें परचेज करना चाहता है, बाय करना चाहता है, वो अपनी जरूरत को लाजमी तौर पर पूरा करेगा। जिनको वो पूरा करेगा यानी कि उसको उन्होंने प्रायोरिटी दी, यानी कि घर में अगर पानी नहीं तो सबसे पानी पानी पहले पूरा किया जाएगा, अगर घर में खाने पीने की बाकी चीजें जो राशन है वो नहीं है तो वो पूरा किया जाएगा, अगर कुछ बच जाता है तो आपको घर में अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है, फैन की जरूरत पड़ती है या फिर एसी की जरूरत पड़ती है, तो आप सेकेंड प्रायोरिटी देते हैं उन चीजों को, यानी कि सबसे पहले आपने प्रायोरिटी दी। तो हमेशा हमारे पास जो इनकम के सोर्सेज होते हैं वो महदूद होते हैं, यानी कि स्केरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, जितना भी कोई किसी स्टेटस में किसी जगह पे पहुंचा हुआ है तो उसके पास इनकम या रिसोर्सेज जो है वो स्केरस है, यानी कि जितनी उसकी डिमांड्स हैं, जितनी उसकी जरूरियात हैं, उसके लिहाज से उसकी इनकम हमेशा कम ही रहती है, और कम रहने की वजह से हम जो प्रायोरिटी की चीजें बाय कर लेते हैं और जो चीजें जरूरत अर्जेंट नहीं होती उनको हम पेंड कर लेते हैं, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जो लग्जरी आइटम होते हैं उनको हम बिल्कुल साइड पर रखते हैं कि जब हमारे पास हाथ खुलेगा, हमारे पास काफी सारा पैसा होगा तो हम वो चीजें ले लेंगे। तो इकोनॉमिक्स इसी लेवल पे काम करती है कि हम एक इंडिविजुअल, एक खानदान या फैमिली या फिर एक मुल्क किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करता है कि अपनी जरूरियात को भी पूरा किया जाए या फिर जहां भी खर्चे किए जाते हैं उससे मजीद इनकम जनरेट की जाए। तो पैसे को सही तरीके से इकोनॉमिकली जहां पे जरूरत हो, जहां पे आपकी प्रायोरिटी हो, वहां पे खर्च करना, और ये सारे के सारा जो मैनेज किया जाता है इकोनॉमिक्स यहां से ही स्टार्ट होती है। ये एक इंडिविजुअल लेवल होता है, जब एक फर्द की बात होती है तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं, जब ये लेवल बढ़ता है तो कंट्री के पूरे लेवल पे एज ए एग्रीगेट हम पढ़ते हैं, यानी कि फर्स्ट किया हमने, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे कपड़ों के कितने खर्चे हैं, मेरे पानी खाने के रहश के कितने खर्चे हैं, मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे देखूंगा, तो ये सारे मसाइल को मैं पढ़ूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जब हम देखेंगे कि पानी का मेरा खर्चा और पाकिस्तान की टोटल आबादी उसका इतना खर्चा, इतनी आबादी और हर एक का इतना खर्चा, तो एग्रीगेट के बेसिस पे पानी का इतना खर्चा आएगा हर एक की जरूरत है, बिजली कोई इंडिविजुअल इतनी एक्सपेंड करता है तो सारे के सारे लोग कितनी बिजली खर्च करेंगे उसको एग्रीगेट लेवल पे, जब इंडिविजुअल लेवल पे हम चीजें कर रहे होते हैं उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और जब हम बड़े लेवल पे एग्रीगेट कर लेते हैं कई सारी चीजों का मजमूआ जमा कर लेते हैं और फिर उसको हम देखते हैं बड़े लेवल पे, तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आज अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो हमने बेसिकली चीजें कवर करनी है। तो इकोनॉमिक्स इज नॉट अ नेचुरल साइंस, सबसे पहले आपको ये समझना है नेचुरल साइंस होती है फिजिकल साइंस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है, यानी कि जो आप अप्लाई करेंगे वही नतीजा निकलेगा, यानी कि लिबर्टी में आप देखते हैं कि H2O हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक आप मॉलिक्यूल डालेंगे तो वो पानी बन जाएगा, तो एटम डालेंगे तो वो पानी बनता है, तो इस तरीके से ये नहीं है। इकोनॉमिक्स इज नॉट नेचुरल साइंस, इट इज नॉट कंसर्न विद स्टडीइंग द फिजिकल वर्ल्ड लाइक केमिस्ट्री बायोलॉजी सोशल साइंसेज आर कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ पीपल इन सोसाइटी, इट इज ये यानी कि सोसाइटी की बेस पे फोकस कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सोसाइटी जो है वो हमारे अंडर कंसंट्रेशन है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स नॉर इज इट पॉसिबल टू फुली अनरावल द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो इंसानी फैसला करने की कुव्वत होती है या फैसला करने का जो अमल होता है आप उस पे तजर्बा करें या साइंसी तरीकाकार से उसको जज करने की कोशिश करें तो टोटली आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से सोशल साइंसेज पे कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वी पीपल एंगेज अवर सेल्फ इन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी। तो अगर ओवरऑल हम डिफाइन करें तो हमारे पास जो या तो हम रिसोर्सेज प्रोड्यूस करते हैं, जब प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास जो जरूरत के होते हैं इस्तेमाल कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं
वो हम किसी और को दे देते हैं कि तुम ये इस्तेमाल कर लो लेकिन उसके बदले में मुझे पैसा दे दो, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल आ जाता है एंड कंजम्पशन, यानी कि या तो फिर कंज्यूम कर लेंगे या फिर अल्टीमेटली किसी दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम सबसे पहले बनाते हैं, ये एक अलग प्रोसेस है। अगर हमारे कंजम्पशन की है तो कंज्यूम कर लेंगे, अगर हमारी जरूरतें बढ़ जाती है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसके बदले में कैश ले लेंगे। तो ये सोसाइटी का ये प्रोसेस है इकोनॉमिक्स का, ओवरऑल सोसाइटी में। द टर्म इकोनॉमिक्स केम फ्रॉम द ग्रीक फॉर आइकोस, जिसका मतलब होता है हाउस, एंड नमोस, यानी कि कस्टम और लॉ, हेंस रूल्स ऑफ द हाउस होल्ड, यानी कि घर के जो तरीके कार है, घर का जो सलीका है या घर के अंदर जो एक्टिविटीज होती है उसके नाम ही इकोनॉमिक्स है। अनदर डेफिनेशन इसकी है द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्किल्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि एंड्स क्या होते हैं, आपकी जो ख्वाहिशात मीन्स टू एंड होते हैं रिसोर्सेज, यानी कि आपकी ख्वाहिशात तो बहुत ज्यादा होती है, जरूरियात बहुत ज्यादा होती हैं, एंड स्किल्स मीन यानी कि रिसोर्सेज आपके कम होते हैं विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जो आपके रिसोर्सेज हैं, यानी कि आपके पास 50,000 इनकम है, आपके पास चॉइस है, आप दिल करें तो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पे खर्च करें, दिल है तो लग्जरी आइटम ले लें, अगर लग्जरी आइटम नहीं तो फिर आप टूर पे निकल जाए, टूर पे भी नहीं जाना चाहते तो किसी को सैक्रिफाइस कर दें, किसी पे सदका जकात कर दें, तो आपके पास जो मींस टू एंड है यानी कि रिसोर्सेज जो है इनका अल्टरनेटिव यूज होता है। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो हमारे पास दो मेन ब्रांचेज हैं इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो होती है जहां पे आपको बेसिकली इकोनॉमिक्स के उसूलों पे बात करते हुए भी आप अपनी एक राय देते हैं, आप देते हैं कि नॉर्मली सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स क्या हैं, होना क्या चाहिए। फर्ज किया हम ये कहते हैं कि फलां बंदे ने घर में अगर फर्ज किया 10 अफराद थे और उनमें से एक बंदा अर्न कर रहा है, और जो अर्निंग कर रहा है हम उसको कहते हैं कि इसके जो रिसोर्सेज हैं उसको बजाय इसके कि शराब और जुए पे खर्च करे या किसी गलत एक्टिविटी में मसरूफ उसको यूज कर दे, उसको चाहिए कि अपने घर के जो दूसरे फैमिली के मेंबर्स हैं उन पे खर्च करे। तो ये हमने पहले जो बात की कि उसकी इतनी सोर्सेज ऑफ इनकम है और किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहिए, तो जो दूसरी हम राय दे देते हैं कि उसको ये काम करना चाहिए, तो ये होता है नॉर्मेटिव, जो कि हकीकत की बेस पे नहीं होता। हम अपनी सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स जो मौजूद होते हैं, अच्छाई और बुराई के तनाजुर जो कायम हो चुके होते हैं हमारी रस्म और रवाज की बुनियाद पर, उसके तनाजुर में हम उसको कंसीडर करते हुए उसकी तशरीह करते हैं, उसको मशवरा देते हैं। ये जो मशवरा देने वाला एलिमेंट होता है इसकी वजह से इसको कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगर इसकी आप डेफिनेशन देखें, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इनकॉर्पोरेट्स वैल्यू जजमेंट अबाउट व्हाट द इकोनॉमी शुड बी, यानी इकोनॉमी अगर है कैसे तो होना कैसे चाहिए, लाइक और व्हाट पार्टिकुलर पॉलिसी एक्शन शुड बी रिकमेंडेड टू अचीव द डिजायरेबल गोल्स, कि आप उनकी मनाजिल मकासद को कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए आप अपनी सजेशन देते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स लुक्स एट द डिजायरेबिलिटी ऑफ सर्टन एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, वो इकोनॉमी के कुछ पहलू देखती है कि यहाँ पे इकोनॉमी हमारी सस्टेन कर रही है, यहाँ पे इसको नहीं होना चाहिए, इसको ग्रो करना चाहिए, तो हम अपनी एक राय देते हैं। जो राय देने का मतलब है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है। इट अंडरलाइंस एक्सप्रेशन ऑफ सपोर्ट फॉर पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स पॉलिसी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज नोन एज द स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन, यानी कि जो आप उसमें राय देते हैं, ओपिनियन देते हैं, उसकी वजह से ये नॉर्मेटिव होती है, विच कैन नॉट बी प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड, जिसको आप हकीकत की बुनियाद पर ना तो सच साबित कर सकते हैं ना गलत, एंड सजेस्ट दैट शुड बी डन टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इसका मकसद क्या होता है कि इकोनॉमिक इश्यूज जो है उनको सॉल्व किया जाए और बेहतर से बेहतर सोल्यूशन दिया जाए, यानी कि एक और मिसाल देख लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी रिड्यूस्ड, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्कसेस व्हाट ऑट टू बी, यानी कि एक अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन उसको कम कैसे करना चाहिए या कम होना चाहिए, तो ये साथ में जो ओपिनियन दी जाती है इसको एग्जांपल देख लेते हैं इसके। अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स थ्योरी नॉट ओनली डिस्क्राइब्स हाउ मनी सप्लाई ग्रोथ अफेक्ट्स इन्फ्लेशन, यानी कि जो सप्लाई ऑफ मनी है जैसे ग्रो करती है कि जितना मार्केट में या जितना इकोनॉमी के अंदर पैसा ज्यादा आएगा उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन कब होती है, जब चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। बट इट ऑल्सो प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन दैट व्हाट पॉलिसी शुड बी फॉलो, कि अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ रही है उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, तो साथ में उसको वो कहा जाएगा कि मनी सप्लाई फॉलो की बढ़ती है तो बढ़ने दे, कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि मनी की जो सप्लाई है उसको रोकना चाहिए, उसको सस्टेन करना चाहिए, उसको मॉडरेट रखना चाहिए, ये हम ओपिनियन दे देते हैं। तो
इस तरह ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के पोर्टफोलियो में आ जाएगा। दूसरे नंबर पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स थ्योरी नॉट ओनली डिस्क्राइब हाउ इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स इन्फ्लेशन, ये भी दूसरा पहलू है कि अगर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट पर 10% है तो उसको बढ़ा दें तो उसका कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। तो इस हिसाब से भी देख सकते हैं क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगी, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स गाइडेंस दैट वट पॉलिसी शुड बी फॉलो, के इंटरेस्ट का रेट बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल के लिए। तो इसमें जो राय दी जाएगी उसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दूसरी आती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव का मतलब ये कि आप भी पॉजिटिव, आप अपनी जगह पे जहाँ पे हैं खड़े रहें, दूसरा जो कहता है करता रहे, आप अपने परसेप्शन से चाहें। अगर दूसरे हिसाब से हम कहें कि जहाँ पे आपको सिर्फ हकीकत की बात बताई जाए और आप अपनी ओपिनियन शामिल ना करें तो उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या रियल इकोनॉमिक्स कहते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बाय कंट्रास्ट इज द एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड बिहेवियर, ये हकायक की बुनियाद पर, रवैयों की बुनियाद पर, हकीकी तजिए के नाम से होती है। इन एन इकोनॉमी द वे थिंग्स आर, ये हकीकत के बारे में बताता है कि ये चीज़ें कैसे चल रही हैं, उसके बारे में अपना ओपिनियन नहीं देता बल्कि जो चीजें जैसे हैं उनका ही तजिया करके बताया जाता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कैन बी प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड एंड व्हिच कंसर्न हाउ एन इकोनॉमी वर्क्स। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग इन आवर इकोनॉमी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज समथिंग डिफाइंड एज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट इज, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स असल ओपिनियन नहीं, व्हाट शुड बी नहीं है बल्कि व्हाट इज, जो क्या है, जो है वो कैसे है, क्यों है, उसमें नहीं जाता, कैसा होना चाहिए ये भी नहीं जाता। एग्जांपल इसकी देख लें, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स थ्योरी माइट डिस्क्राइब हाउ मनी सप्लाई ग्रोथ अफेक्ट्स इन्फ्लेशन, कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन का इन्फ्लेशन पे मनी सप्लाई का असर कैसे होता है, तो ये सिर्फ स्टडी करता है कि कितना असर होता है, बट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंस्ट्रक्शन ऑन व्हाट पॉलिसी शुड बी फॉलोड, और इसके बारे में अपनी को राय नहीं दी जाएगी। दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स थ्योरी माइट डिस्क्राइब हाउ इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स इन्फ्लेशन बट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी सजेशन और गाइडलाइन और वेदर द पॉलिसी शुड बी फॉलो, कि कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए उस पर फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके बारे में नहीं बताएगा। तो वी द पीपल इंक्लूड फर्म्स हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, इसमें जो हम बात करते हैं अपनी, तो इसमें एक इंडिविजुअल भी होता है, फर्म्स भी होती हैं, हाउस होल्ड भी होती हैं, यानी कि घर की जो सारे लोग होते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट भी होती है। गुड्स की बात की जाती है, जो प्रैक्टिकल जो फिजिकल चीज़ें होती हैं जिनको आप सेल करते हैं वो है गुड्स। सर्विसेज की बात की जाए तो हम जो चीज़ें सर्विसेज ऑफर करते हैं यानी कि जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, सर्विसेज होती है इन्वॉल्विंग डूइंग समथिंग फॉर द कस्टमर बट नॉट प्रोड्यूसिंग गुड्स, इसमें गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते बल्कि सिर्फ सर्विसेज दी जाती है। इसके अलावा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इकोनॉमिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हर जगह पर इसकी ज़रूरत पड़ती है इकोनॉमिक्स में कि इसको समझा जाए। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि हम कहें कि जी ये फैक्टर भी है, मतलब हमारे पाकिस्तान में ये हालात हैं, अगर फर्ज किया टेररिज्म है तो उसके फैक्टर्स क्या हैं, हम जो असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं उनका जो है वो जो उसकी एनालिसिस करते हैं, उनको मुताला करते हैं, उनको देखते हैं कि किसका कितना फैक्टर का असर है। लेकिन हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कंजम्पशन होती है, इसमें चार चीज़ें हैं। इकोनॉमिक्स में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है या इकोनॉमिक्स का वजूद है चार चीज़ों से है। लैंड, लैंड नहीं होगी तो कुछ प्रोडक्शन नहीं होगी, यानी कि आप शॉप, आपकी शॉप भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है, आपके खेत भी हो सकते हैं जहाँ पे फसलें उगती हैं। तो ये लैंड, जहाँ पे बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, फैक्ट्री हो, तो ये लैंड होगी तो बात बनेगी। लैंड सबसे बेसिक फैक्टर है। दूसरा जो है कैपिटल, जो आप उस पर रुपया पैसा खर्च करके मशीनरी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। इसके बाद आते हैं लेबर, यानी कि मैन पावर। जितनी मैन पावर अगर कहीं पे भी आप देखें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो इन चार में से दो से ज्यादा, तीन, एक, कोई ना कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है। जहां पे चारों ये नहीं इन्वॉल्व होते, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो कैपिटल में हमें लेबर में इंसान आ जाते हैं, एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है कि आपने बिजनेस माइंड के साथ चीजों को कैसे प्रोड्यूस करके सेल करना है, तो ये होता है। चौथा है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना, डिटेक्ट करना कि आप यहाँ पे बिजनेस कैसे अपना जनरेट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं जो बिजनेस माइंड लोग होते हैं वो सबसे पहले डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, वहाँ से वो डिटेक्ट करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं और उनका माइंड जो है बड़ा फ्लो में काम कर रहा होता है और फौरन से जहाँ पे उनको मौका होता है, जहाँ पे फायदा उठा सकते हैं, वो फौरन डिटेक्ट कर लेते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। तो ये जो माइंड होता है, हर एक का बिजनेस माइंड होता है और जिसका होता है उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं।
इसके बाद होता है स्कैरसिटी, यानी कि किल्लत, हमेशा से रिसोर्सेज की किल्लत रहती है। यानी कि आप जैसे पहले हमने स्लाइड पे बात की थी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में कि हमारी जरूरियात बहुत ज़्यादा है, हमारी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज कम है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी जो है अल्टीमेटली आपकी उस पर इफेक्ट आती है कि आप हमेशा ख्वाहिशात की जो घेरे में तंग रहते हैं, और इंसान इसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए एफर्ट करता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होती हैं, और हर इंसान दूसरे के साथ लिंक होता है क्योंकि उनके मफादात एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। तो मतलब आपने यही देखना है कि जो आपने अरमान है अपने वो कैसे पूरे करने हैं, अपने रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाना है, और मुतमिन जिंदगी वही गुजारता है जिसके रिसोर्सेज बढ़ते जाते हैं और ख्वाहिशात लिमिटेड रहती हैं। तो अपने आप भी ख्वाहिशात को हमेशा थोड़ा सा लिमिटेड रखें, और जो रिसोर्सेज हों उनको ऐसे तरीके से इस्तेमाल करें कि उनको इंक्रीज करें, और बजाय इसके कि आपकी ख्वाहिशात बढ़ें आपके रिसोर्सेज बढ़ते रहने चाहिए, तभी आप सेटिस्फैक्ट्री लाइफ गुजार सकते हैं, आप अपने बिजनेस में एक्सपेंड कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं हमें आपको। इसके बाद है राशनिंग भी कह सकते हैं, रेशनिंग भी कह सकते हैं। तो राशनिंग से मुराद ये है कि फर्ज के पहले एक सिस्टम होता था जहाँ जयाल के दौर में, अयूब के दौर में मेरे ख्याल में शायद उस वक्त चीनी कहीं कम हो जाती थी और राशन कार्ड बने हुए थे हर एक फर्ज के, हाँ उसको कार्ड अलाट था और उसको पर मंथ बेसिस पे चीनी की एक खास मिकदार जो वो थी, यानी कि उसको ऑथराइज थी फर्ज के एक पाव चीनी पूरे महीने में, या एक केजी जो है एक फर्द के लिए पूरे महीने के लिए, और एक फर्द के जितने लोग होते थे वो कार्ड लेके जाते थे, उतनी चीनी लेके आ जाते थे, पूरा महीना वो इस्तेमाल कर लेते थे। तो उसका क्या होता था कि चीनी कम ना हो जाए गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करते रहे, यानी कि वो राशन प्रोवाइड करती थी। इस तरीके से अगर फर्ज किया, पैसे बनाने वाले मशीन तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन इसको कंट्रोल किया गया है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होती रहें, काम होते रहें, लोग अपनी मूवमेंट में रहें। अगर फर्ज किया हर बंदा पैसे की मशीन लगा ले जितनी उसकी ज़रूरत है वहाँ पर लगा दे, तो फिर कौन उसको पूछेगा? लेकिन ये इलीगल काम है, गवर्नमेंट ऐसा अलाउ नहीं करती। अगर कोई ऐसा करेगा तो इलीगल एक्टिविटी है और उसको पकड़ लिया जाएगा, धर लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मूव, जो उसकी मूवमेंट है उसको कंट्रोल करती है। अगर फास्ट पेस पे चीजें चलने लग जाए उसको कंट्रोल करती है, अगर स्लो हो जाए तो उसको फास्ट पेस पे लेके जाती है, और ये कंट्रोल करती है गवर्नमेंट फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से। हम आगे इकोनॉमिक्स में चलते जाएंगे और फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को भी डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है एक सोसाइटी के अंदर उनको कैसे कंट्रोल करती है। तो ये राशनिंग का कंसेप्ट यह है कि गवर्नमेंट के पास ये मैंडेट है कि किस चीज़ को कितनी मिकदार कितनी हद तक छोड़े और उसको राशन दे और उसको जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में रखे ताकि किसी के पास जो जखीरा अंदोजी और इस तरह की सारी की चीज़ें मामला ना हो जाए। तो ये होता है ये हर चीज़ को कंट्रोल करने में। तो ये स्कैरसिटी भी आप जगह जगह पर पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म है, कंसेप्ट इसी पे चल रहा होता है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें की फरावानी हो तो फिर हम काम क्यों करें। हमारे पास रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होती है तो हम उसको मैक्सिमाइज करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं और जो सोसाइटी के बंधन में बंधे रहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप अपनी कंप्लीट जो किसी भी कोर्स को हमारी वेबसाइट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, आपको किसी जगह पर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं, आप अपने घर बैठे कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं हमारे फोरम से ourAcademy.com, और हमारा सेल नंबर है 233-5706666। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।